प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं हम जिसका जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स का एंड बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लिनिकल और प्लस कॉमनेस्ट डिजॉर्डर से ही है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है, हाइपर मतलब होता है एक्सेस, एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने वाले कंडीशन को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम HG बोलते हैं इसको हम लोग। देखिए सबसे पहली बात है, नॉर्मल में हर फीमेल में जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें यह नौजियान वॉमिटिंग जो होता है वो होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन यह है कि प्रेगनेंसी के समय दो हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक होता है HCG और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो HCG निकलता कहाँ से है, तो जो इम्प्लांटेशन जब होता है तो वहाँ पे जो कोरियोन सेल जब बनता है वहाँ पे उससे बनता है HCG। तो HCG और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का एक फंक्शन मेन होता है कि यूट्रस में मायोमेट्रियम पे क्या करना, मायोमेट्रियम को रिलैक्स करना। किस लिए, जैसे यूट्रस है तो यूट्रस के बीच वाला जो लेयर होता है ना जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, तो मायोमेट्रियम को क्या करता है ना, बीच वाला लेयर इस मसल्स पे क्या करता है कि HCG जो होती है प्रोजेस्टेरॉन इसको रिलैक्स करता है। इसको रिलैक्स करने से क्या होता है कि इसके रिलैक्सेशन से आसानी से जो होती है वह इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो जो होता है आसानी से डेवलप करती है। तो इसलिए HCG जो होता है शुरू के 10 वीक तक जो होता है HCG का सिंथेसिस बढ़ते चलाता है बहुत हाई, और 10 वीक के बाद जो होता है धीरे धीरे फिर घटते चला जाता है। तो HCG का फंक्शन क्या है कि मायोमेट्रियम को रिलैक्स करता है, और मायोमेट्रियम को रिलैक्स करने से क्या होता है कि आसानी से इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो मायोमेट्रियम जो होता है स्मूथ मसल्स का होता है। अब इसका साइड इफेक्ट देखने को कहाँ मिलता है, तो ओसोफेगस का लोअर ओसोफेजल स्फिंक्चर पे, कि ओसोफेगस का लोअर ओसोफेजल स्फिंक्चर जो होती है जिसको कार्डियक स्फिंक्चर बोलते हैं, यह भी बना होता है स्मूथ मसल्स का। जैसे स्टमक का बताए थे, ये जो होती है स्टमक का जो लोअर पार्ट जो होती है ना जिसको ये वाला जो ओसोफेगस का बोलते हैं, और इसका स्टमक का नहीं ओसोफेगस का, ये स्टमक हुआ या ओसोफेगस हुआ, यहाँ पे लोअर स्फिंक्चर होती है ये वाला, इसी को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्चर बोलते हैं। तो ये जो होती है यह भी जो होता है HCG के कारण प्रोजेस्टेरॉन के कारण ये रिलैक्स कर जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट जो होती है वह ऊपर की तरफ होता है रिफ्लेक्स हो जाती है। तो ये जो होता है ये तब ये कंडीशन क्या होती है HCG और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तब, और ये कंडीशन कब होता है शुरू के 10 वीक में। अच्छा होता क्या है कि रात के समय यूरिन कम बनने के कारण क्या होता है कि सुबह सुबह इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए सुबह में ऐसा कंडीशन ज़्यादा मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस के नाम से बोलते हैं। देखिए तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है कि दिन भर में 3 बार से कम वॉमिटिंग होती है, वो भी 10 वीक तक ही होता है ऐसा, उसके बाद नहीं, और प्लस इससे बॉडी पे कोई इफेक्ट मदर को नहीं होता है। लेकिन अगर बाय द वे यह फीमेल में अगर 3 बार से ज़्यादा वॉमिटिंग हो, हर समय वॉमिटिंग जैसा कंडीशन बनता रहा हो, इस और यह कंडीशन यह 10 वीक से ज़्यादा हो रहा हो, कंटिन्यू पूरा प्रेगनेंसी भर हो रही हो, इसके कारण मदर पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा हो, मदर का हेल्थ और फीटस का हेल्थ डिटोरियट हो रही हो, तब इस कंडीशन को हम हाइपर बेसिक ग्रेविडेरम बोलते हैं। सिर्फ नौजिया वोमिटिंग एक्सेस होने का नहीं बोलते हैं, इसमें हम क्या बोले हैं कि जब कभी किसी फीमेल में 3 बार से ज़्यादा वोमिटिंग हो, प्रोफ्यूज वोमिटिंग हो डेवलप हो रही हो, इसके साथ साथ कंटिन्यू वोमिटिंग हो रहा है, मदर और फीटस के हेल्थ पे इफेक्ट हो रही हो, तब इस कंडीशन को हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। ये तो हम बात समझ में आई इसका डिफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। देखिए मैक्सिमम कारण समझ में आता नहीं है कि क्यों हुआ ये, ज़्यादातर ये इडियोपैथिक होता है। दूसरा कारण होता है कि जब फर्स्ट बार जब प्राइमरी ग्रेविडेरम होती है तो उस केस में ज़्यादा होता है टेंडेंसी है। थर्ड कंडीशन जो आता है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। वैसे साइकोलॉजिकल में वो होता है ना कि माइंड में आ गया कि चलो भाई प्रेगनेंट होगा तो वोमिटिंग होगी, तो ये जो होती है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसके कारण भी क्या होता है वोमिटिंग का टेंडेंसी होती है। कुछ फीमेल में लीवर का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है, और कुछ फीमेल में जैसे GIT में जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन वगैरह होता है तब भी इस कंडीशन में वोमिटिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन का मोटिलिटी घट जाता है तभी वोमिटिंग हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो है HCG हार्मोन का एक्सेस हो जाना। अब HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन तीनों हार्मोन जब जोर से ज़्यादा बढ़ जाता है तब उस कंडीशन में होता है। देखिए सबसे पहला आता है HCG।
एससीजी का लेवल बढ़ता क्यों है? एससीजी का लेवल बढ़ता है अगर बाय द वे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक से ज़्यादा अगर बाय द वे फिटस ग्रो कर रही है उस केस में, या फिर मोलर प्रेगनेंसी है, जैसे मान लीजिए ट्रोपोब्लास्ट की जगह जो होती है, जैसे यहाँ पर कुंडल सेल की जगह पर क्या हो रही है, यहाँ पर ट्यूमर डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एससीजी का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। एससीजी थेरेपी बहुत सारे केस में होता है, एससीजी का इंजेक्शन दिया जाता है, उस केस में इसका लेवल बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ता है, जब ओवरी में बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, तो कॉर्पस लूटियम से जो होती है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनने लगता है, एस्ट्रोजन भी सिंथेसिस से होने लगता है, या फिर बहुत प्रेगनेंसी को कंसीव कराने के लिए इम्प्लांटेशन के लिए वहाँ पर क्या दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी देते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही देते हैं अगर बाय द वे, तो उसका लेवल बढ़ने से भी क्या होता है, यह जो वोमिटिंग है यह हो सकता है। देखिए तो पूरी बात आपको समझ में आ गया कि जनरली क्या होता है कि ऑसोफेगस का लोअर ऑसोफेगस फिंचर जो होती है वो किसी वजह से रिलैक्स हो सकती है, तो एससीजी के ज़्यादा होने के कारण, प्रोजेस्टेरोन के कारण भी हो सकता है, मोटिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है, इंटेस्टाइन में कोई वॉर्म के कारण हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम से हो सकता है, तो ये सब बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, या फिर कभी साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकती है, इस सब के कारण क्या होता है कि यहाँ पर वोमिटिंग का टेंडेंसी होती है, बहुत बार तो पता ही नहीं चलता है क्यों होता है, किस वजह से होता है। अब चलिए बात इसके सिम्टम के बारे में, इसमें सिम्टम होता क्या है। देखिए सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि वोमिटिंग होता है पेशेंट को, हर समय नोजिया जैसा टेंडेंसी रहेगा पेशेंट बना हुआ, कंटिन्यू 24 घंटा में एनी टाइम बना रहता है, दिन भर में 5 बार 6 बार 10 बार जब खाना खाएगा तब वोमिटिंग हो जाएगी, ऐसे भी हो सकती है पानी पिया तब भी वोमिटिंग हो जाएगी, और ये कंटिन्यू बना रहता है। ये जो होती है प्राइमरी गैर्विटा में ज़्यादातर सुबह में होता है, प्राइमरी गैर बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर दोपहर में होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर होता है इवनिंग टाइम में होती है। आगे कहानी चलते हैं हम लोग, दूसरी जो सिम्टम मिलेगी आपको, बार बार नोजिया ट्रेनने से वोमिटिंग के कारण क्या होता है, उसका भूख खत्म हो जाती है, एपेटाइट उसकी लॉस कर सकती है। अगला कंडीशन बनता है क्या कि उसको बार बार जो होती है एपिगैस्ट्रिक में डिस्कम्फर्ट होता है, अबडोमिनल पेन होने का टेंडेंसी होता है, यूरिन का फॉर्मेशन घट जाएगा, इसमें हो सकता है डायरिया भी हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, हर्ट बर्न डेवलप होगी उसको, बार बार यहाँ पर हर्ट बर्न डेवलप करेगी, थ्रोट में इरिटेशन होगा उसको, माउथ का जो टेस्ट है वो अबनॉर्मल हो जाएगी, भी देखने में हो सकता है कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आ सकती है, ब्लड विजन हो सकती है, फेंटनेस होगा, वीकनेस होगा, कमजोरी महसूस होगी उसमें, हाथ पैर में झुनझुनाहट होगी, यहाँ से नंबनेस ऐसा सिम्टम आने लगता है। तो ऐसे कई तरह का सिम्टम जो होता है इस हाइपरमेसिक में मिलता है। अब बात चलते हैं साइन के बारे में, अगर हम इस मरीज को देखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहला कि स्किन का टर्गर प्रेशर घट जाता है वोमिटिंग होने के कारण, जो आई बॉल है वो संकेन कर जाएगी, उसके बाद जब देखेंगे तो जो लोअर पल्पेबल को देखेंगे तो थोड़ा पेलनेस हो जाएगी, टॉन्ग कोटेड हो जाता है, पल्स रेट देखेंगे तो उसमें क्या होता है वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर देखेंगे तो घटा हुआ मिलता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोलाइट लॉस करता है, सोडियम पोटासियम क्लोराइड सब कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, वोमिटिंग हुआ, ऐसे ही बहुत सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब जो होता है देखिए इसको देख सकते हैं। एक बात होता है कॉम्प्लिकेशन की, देखिए वोमिटिंग हुआ ज़्यादा इससे क्या होगा, अबडोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, अबडोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो उसके समय हो सकता है कि एवर्सन के भी चांस हो सकती है, जो फीटस ग्रोथ है वह रिटार्ड हो जाता है, फीटस का हार्टबीट वीक हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड घट जाता है, इसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामनोज बोलते हैं। तो इसके ये सब जो होती है पहला कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगी। अब यहाँ से ओलिगोहाइड्रामनोज क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी लॉस हो रही है तो उसके कंडीशन बन गया करेगा। इसमें नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आता है कि बार बार वोमिटिंग होने के कारण, जो पहला तो डाइजेशन होगी नहीं प्रॉपर, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे ही बॉडी वेट धीरे धीरे घटने लगेगा। बार बार वोमिटिंग होने से जो ऑसोफेगस लेसरेट कर जाता है, अल्सर भी डेवलप कर सकता है, स्ट्रेस अल्सर डेवलप कर सकता है, ऑसोफेगस में अल्सर हो सकती है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, और इलेक्ट्रोलाइट के घटने के कारण क्या हो सकता है पेशेंट को सीजर अटैक हो, लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है पेशेंट को, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्मिया, हाइपोकोलेमिया, तो कई तरह का डिजॉर्डर जो है ना आप कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाता है। यानी बताया ना आपको कि न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे घट जाती है। अब इसके कारण होता है फीटस का जो ग्रोथ होता है रिटार्ड हो जाता है, IUGR जिसको बोलते हैं इंट्राउटराइन ग्रोथ रिटार्ड, ये भी डेवलप हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो मदर के हेल्थ से लेकर फीटस के हेल्थ दोनों पे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हाइपरमेसिस से। अब जो बात चलते हैं हम लोग इसमें कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या जांच करा के देख सकते हैं। देखिए हाइपरमेसिस के लिए सबसे पहला होता है बीटा एससीजी टेस्ट, ठीक है। तो पहला करते हैं बीटा एससीजी टेस्ट, बीटा एचसीजी, ये जांच कराएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का जांच कराते हैं तो ये भी क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। अगर एस्ट्रोजन का जांच कराते हैं ये भी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा।
मेन तो इसी से ना वोमिटिंग होती है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी अगर कराएंगे लोअर एब्डोमेन का तो हमें क्या मिलेगा, ओवरी में बेनाइन ट्यूमर मिलेगा, हो सकता है भी मिल सकता है। देखिए मेन कारण इतना हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बाय द वे कॉम्प्लिकेशन का जांच कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन का जांच मतलब कि जिसको वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, ये जानने के लिए कि अगर मान लीजिए वोमिटिंग अगर होगा सपोज दैट, तो हम क्या उसको कैसे कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहला देखिए, सबसे पहले हम कराते हैं उसका फीटल वेलबींग। फीटल वेलबींग कराने से ये पता चलता है कि फीटस का ग्रोथ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है, उसमें ओलिगोहाइड्रामनोज मिल जाएगी आपको, प्लस ओलिगोहाइड्रामनोज मिलेगा और साथ साथ क्या होगी, उस जो फीटस का जो वेट होगा वह डिक्रीज कर जाएगी, और प्लस उसका हम और कंडीशन को हम लोग इससे पता लगा लेते हैं। अगला नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, इसमें हम सीरम सोडियम करा के देख लेते हैं, घटा हुआ मिलेगा। सीरम पोटासियम ये भी घटा हुआ मिलेगा, सीरम क्लोराइड ये भी घटा हुआ रहेगा, एचबी परसेंटेज डिक्रीज मिलेगी, ब्लड शुगर करा के देखेंगे ये भी घटा रहेगा। देखिए ये सब जांच किस लिए करा लेते हैं, कहीं वोमिटिंग के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुई है, क्योंकि देखिए समय रहते मैनेजमेंट कर लेंगे तो हम इस प्रेगनेंसी को आराम से सेव रख सकते हैं, अरे तो फिर हो सकती है कॉम्प्लिकेशन आएगी तो बहुत सारी जरूरत हो सकता है। अब आता रहता है मैनेजमेंट पे। देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, वोमिटिंग हो रही है पहला काम करते हैं बेड रेस्ट करेंगे, ORS सॉल्यूशन से जोड़ देते हैं, इसमें आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। आईवी इन्फ्यूजन जो जरूरत पड़ा, DNS है, D5 है, RL है, रिंगर लैक्टेट है, यह इसको जोड़ देते हैं, प्लस फ्लूड डाइट देंगे मरीज को। फिर पेशेंट के अनुसार पूछेंगे कि आपको डाइट में क्या पसंद है और उसके अनुसार हम सिलेक्शन करेंगे। देखिए हम सिलेक्शन करके दवा उसको डाइट नहीं देंगे, पहले मरीज से सेलेक्ट पूछेंगे और उसके बाद हम उसको सिलेक्शन करेंगे। इससे क्या होता है कि उसको वोमिटिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। अगला प्लेस को चेंज करा देते हैं। देखिए प्लेस चेंज कराने से मैक्सिमम वोमिटिंग ठीक हो जाती है अधिकांश केस में, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल कंडीशन है। देखिए क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ये अंदर का कारण है, हम इसको हम जल्दी रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या चाहिए कि इसको साइकोलॉजिकल इसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होना जरूरी होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इतना हम लोग कर लेते हैं, ब्लड शुगर का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, हीमोग्लोबिन मैनेजमेंट करते हैं, ये सब करने के बाद फिर अगला क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन लोग करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन कर दिए हम लोग। अब आते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स देते हैं, वोमिटिंग को रोकने के लिए जो भी हमें पॉसिबल होती है वो सारी दवा चलाते हैं इसमें। इसमें हम लोग सबसे अच्छी दवा जो होती है होम्योपैथिक में ईपी काक करके आता है। इसके बाद कोकुलस इंडिकस है, यह अगर ईपी काक हम लोग चलाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अगर कुछ गैस की भी अगर जैसे कभी कभी कारो भेज दे देते हैं तो ये हम लोग चला सकते हैं, तो सिर्फ हम ईपी काक दे सकते हैं। नेटमुर भी चलाते हैं, पल्सेटिला भी है, लिडमपाल भी है, इस तरह से कई तरह का हम मेडिसिन दे सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ इसमें कि हम लोग मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और क्योंकि अब देखिए कोई बीमारी नहीं है, ये होता क्या है ना कि अंदर से कुछ ना कुछ हार्मोन के अबनॉर्मल होने से हुआ है और हम इस बीमारी को जल्दी हटा नहीं सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहला काम करना है कि उसको सेटिस्फेक्शन देना जरूरी है, उसे साइकोलॉजिकल कंडीशन को देखना जरूरी है, और तभी जाकर के इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कोई एजेंट है जिसको बॉडी से रिमूव कर देते बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। तो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट दो चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और तभी इसको हम लोग आराम से रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई परफेक्ट कोई दवा नहीं दे सकते इसको ठीक करने के लिए। यही था इसमें हाइपरटेंशन, बाकी बात चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।